और फ्रेंड्स ने आपको पिछले वीक बताया था कि आप अपने पुराने ड्रेस की फ्यूजन के साथ कैसे पहन सकते हो जो कि इस फेस्टिव सीजन आप स्टाइलिश और ट्रेंडी लगोगे। तो फ्रेंड्स इस वीक मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ कि उसी तरह स्टाइलिश वे में आप अपने हेयर को कैसे स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि ड्रेस तो मैंने आपको बता दिया, आप डिफरेंट ड्रेसेस के साथ डिफरेंट हेयर स्टाइल तो बनता है। और जो ड्रेस की वीडियो है ना, यदि आपने मेरी मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप जरूर चेकआउट करना और आपके देखना पुराने कपड़े रीयूज हो जाएंगे। एंड यस, अभी जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो लाई हूँ हेयर स्टाइल का। तो चलो बिना डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल, इजी, क्विक और स्टाइलिश वे में अपने हेयर को स्टाइल करना। लेट्स फ्रेंड, जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है ना वो है नॉट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल, जिसके लिए मैं क्या करूँगी कि अपने हेयर के एक कोई भी पार्टिंग करूँगी और वहाँ से पतला सा सेशन लूँगी, सेक्शन लूँगी अपने हेयर्स का, उसको ट्विस्ट करूँगी और अपने दो फिंगर की हेल्प से एक नॉट बनाऊँगी कुछ इस तरह, एंड देन थोड़ा सा लूजन अप करके मैं उसे एक छोटी वाली पिन से सिक्योर कर लूँगी, जस्ट लाइक दिस। अगेन मैं एक और सेक्शन लूँगी अपने हेयर का, और ये आप टेलकॉम की हेल्प से भी कर सकते हो और या फिर आप अपना फिंगर भी यूज कर सकते हैं। अगेन मैं दो फिंगर की हेल्प से एक नॉट बनाऊंगी, थोड़ा सा लूजन अप करूंगी एंड देन सिक्योर करूंगी। इसी तरह से आपके अकॉर्डिंग टू योर फेस जितने सेक्शन आपके हेयर के बनते हैं, चूँकि मेरे मीडियम टू थिन हेयर है तो मैं उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आपके यदि हैवी हेयर है तो आपके उतने ज़्यादा सेक्शन बनेंगे और वो बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, सी इस तरह से। एंड देन ये काफ़ी ट्रेंडी न्यू डिज़ाइन है फ्रेंड, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये आपको काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाएंगे, काफ़ी प्रिटी लगने वाले हो आप। और इसी तरह से मैं एक साइड और मैं आपको ये पूरा अच्छी तरह से दिखा रही हूँ, ये ट्विस्ट करके दो फिंगर के अराउंड घुमा के ट्विस्ट करना, देन नॉट बनाना एंड देन फिर सिक्योर करना। अब आप चाहो तो अपने हेयर को इसी तरह से ओपन छोड़ सकते हो, पोनी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, या फिर बन भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं बन बनाऊँगी, मैंने अपने सारे हेयर को लिया है और एक रबर बैंड की हेल्प से एक पोनी करी है इस तरह से। अब उसे मैं ट्विस्ट करते हुए एक बन का शेप दूंगी, क्योंकि फ्रेंड नवरात्र का टाइम है, हमें डांस करना होता है, हमें इंजॉय करना होता है, तो ये बन जो है ना ये आपको टोटली फ्री रखेगा अपने हेयर से और आप अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे और ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल रेडी। जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी क्यूट है, ये टीनेजर पे या किसी भी गर्ल्स पे बहुत अच्छी लगने वाली है। बस आपको अपने हेयर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग एक रबर बैंड लेना है, जिस तरह से मैंने लिया है, ये इजीली आपको मार्केट में 30-50 रुपीज़ में अवेलेबल है। और बस अपने हाफ हेयर को लीजिए और एक बस पोनी कर लीजिए, दैट्स इट, एंड सी आप कितनी प्रिटी लगोगे। तो ये आप कभी भी कर सकते हो और इंडो वेस्टर्न ड्रेस में ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बस आगे से आप थोड़ा सा फ्लैक्स निकाल लो एंड यू आर गुड टू गो, है ना। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एक ब्रीड कैसे बनाओगे जो कि आपका एक हेयर बैंड की तरह काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले आप अपने हेयर को आगे से हेयर बैंड से सिक्योर कर लो एंड देन फिर आप नीचे से एक सेक्शन लो अपने हेयर का और उसे दो पार्ट में डिवाइड करो, ट्विस्ट करो ईच सेक्शन को, ट्विस्ट करने के बाद फिर उसे आपस में भी ट्विस्ट करो इस तरह से, दोनों को पहले आप सिंगल सिंगल ट्विस्ट करो देन फिर आपस में ट्विस्ट करो, लाइक दिस। और फ्रेंड्स ये भी हेयर स्टाइल काफ़ी ट्रेंड में चला हुआ, आप आलिया भट्ट को देखोगे, सोनम कपूर को देखोगे, काफ़ी स्पॉट होती हैं इस तरह के हेयर स्टाइल में और ये खुले बालों पे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। इस तरह से आप इसे ट्विस्ट करने के बाद अदर एंड ले जाओ अपने दूसरे ईयर्स की तरफ एंड देन वहाँ पर आप उसे सिक्योर कर दो। आपको थोड़ा सा वो जो आपने जो नॉट जो किया है ना, जो ट्विस्ट किया है, बस उसे थोड़ा सा लूजन अप करो ताकि वो अच्छे से विजिबल हो एंड देन फिर उसे आप सिक्योर कर लो। अब अपने फेस के अकॉर्डिंग आप चाहो तो उसे हल्का सा पुल कर सकते हो अपने आगे के हेयर्स को एंड यस दिस इज द फाइनल लुक, ब्यूटीफुल है ना। जो फ्रेंड्स जो थर्ड लुक है ना वो आप आराम से स्पॉट करते हुए देख सकते होगे आलिया भट्ट को। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फ्रंट का जो क्राउन एरिया होता है उससे छोटा एरिया लेना है, उसे एक रबर बैंड से नॉट बनानी है एंड देन बीच के सेक्शन में एक होल करके वो पूरे छोटी टाइनी जो आपका पोनी है ना उसको अंदर डाल के उसे रैप कर देना है
इस तरह से, एंड देन आप फिर से नेक्स्ट सेक्शन लीजिए दोनों तरफ से 1-1 inch का आई गेस स्पेस लेकर, एंड देन फिर अगेन उसे आप रबर बैंड से सिक्योर कीजिए, बीच में होल्ड कीजिए एंड ट्विस्ट कीजिए, येस लाइक दिस। एंड देन उसे आप हल्का सा स्ट्रेच कर सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग, और जो फर्स्ट पोनी बनाई थी टाइनी पोनी उसे उस होल के अंदर आप डाल दो, सेम उसी तरह से आप थर्ड करो, एंड देन फिर फोर्थ करने के बाद आप एक छोटे से क्लच की हेल्प से आप उसे सिक्योर कर लो इस तरह से, और उसे हल्का हल्का लूजन अप करो अपने फेस के अकॉर्डिंग, एंड देखो आप कितने स्टाइलिश लगोगे। आगे से आप चाहो तो आप फ्लैक्स निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। एंड सी ट्रेंडी है ना। जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है वो है हाफ बन, जो कि काफ़ी अभी ट्रेंड में चला हुआ है। अब हाफ बन के लिए आपको क्या करना है, अपना जो क्राउन एरिया है आपका या फिर आपके जो ईयर से निकलते हैं जो हेयर के सेक्शन, आप उसको लो, एंड देन आप एक पोनी बनाओ। पोनी बनाने के बाद आप उसे जो डबल रैप करते हो ना उसको बस हल्का सा लूजन अप करके छोड़ दो, एंड देन उसे एक आप अच्छा सा बन का शेप देते हुए उसे इस तरह से आप सिक्योर कर लो बॉबी पिन की हेल्प से। बाकी के हेयर्स को आप रैप कर सकते हो, एंड सी दिस इज द फाइनल लुक। फ्लैक्स निकाल लो यदि आपको अच्छे लगे तो, और ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। नेक्स्ट जो है ये मैं आपको बताने वाली हूँ डच ब्रेड। इसके लिए आपको क्या करना है ना कि मैंने अपना एक लेफ्ट पार्टिंग करी है, आपके फेस के अकॉर्डिंग जो भी पार्टिंग आपको सूट करता है आप वो पार्टिंग करो, रेस्ट हेयर को आप क्लच कर लो, एंड इस तरह से जिस तरह मैं बता रही हूँ ना आप बीच का एक सेक्शन लो और दोनों साइड से जिस तरह हम सिंपल ब्रेड बनाते हैं आपको वो बनानी है, बट दोनों साइड के सेक्शन से थोड़ा थोड़ा हेयर को आपको ऐड करना है और उस तरह से आपको बनाना है। एक्चुअली जो डच ब्रेड होता है ना वो उल्टा बनता है, बट मैं आपको ये सीधा करके दिखा रही हूँ जो कि ज़्यादा ईजियर होता है एज कम्पेयर टू उल्टा वाला ब्रेड। इस तरह से बस आपको दोनों साइड से ऐड करते रहना है, एंड देन ये आपका एक डच ब्रेड रेडी हो जाएगा। जो इंड पोर्शन होगा उसको आपको एक नॉर्मल ब्रेड की तरह बनाना है, और उसे सिक्योर कर लीजिए आप एक रबर बैंड से इस तरह से। अब जो आगे के हेयर है ना उसको आपको थोड़ा सा लूजन अप करना होगा ताकि आपके फेस को एक टेक्सचर मिल सके। आप जितना लूजन अप करोगे वो उतना प्रिटी दिखेगा फ्रेंड। यहाँ पर देखो मैं बहुत अच्छे से उसे लूजन अप कर रही हूँ, उसे अच्छे से पुल कर रही हूँ ताकि काफ़ी अच्छा इफेक्ट आए। एंड देन जो नीचे का जो टेल है उसका उसे आप सिक्योर कर लो अपने बैक ऑफ द हेड। देन अगेन जो दूसरी तरफ की पार्टिंग है उसको आप 2 या 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, उसे हल्का ट्विस्ट किया है, पुल किया है, देन सिक्योर किया है विद द हेल्प ऑफ हेयर पिन। देन अगेन ये दूसरा वाला मेरा पार्ट जिसे हल्का सा ट्विस्ट किया है, पुल किया है, एंड देन सिक्योर। अब बस अपने हेयर को आप ओपन छोड़ो एंड देखो आप कितने प्रिटी लोगोगे। सी हाँ, जो बॉबी पिन वाला एरिया है उसको आप अपने हेयर से अच्छे से ढक दो, एंड यू आर जस्ट गुड टू गो। यस ब्यूटीफुल है ना, और देखो आप कितने स्टाइलिश लगोगे, ट्रेंडी लगोगे। अब ये 9 दिन ना आप अलग अलग हेयर स्टाइल करके जाओगे। तो जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है जो कि 7th हेयर स्टाइल है, उसके लिए आपको क्या करना है कि आगे आपको अगेन आपको बनाना है फ्रेंच ब्रेड। अब चूंकि फ्रेंच ब्रेड तो 1-sided होता है, लेकिन आपको ये 2-sided करना है इस तरह से बीच मांग करके, और दोनों साइड से अपने थंब को यूज करते हुए आप इस तरह से दोनों साइड से क्रिस क्रॉस करो, एंड आपका ये ब्रेड बन के तैयार हो जाएगा बिल्कुल सेंटर में आपके फोरहेड के, और उसे आप पीछे सिक्योर कर लो बॉबी पिन की हेल्प से इस तरह से। एंड आगे आप थोड़ा सा उसे लूजन अप कर लेना अपने फेस के अकॉर्डिंग, जिस तरह से देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड अपने फेस को टेक्सचर देने के लिए ना हल्का सा पुल करना बालों को बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपके रेस्ट दोनों साइड के जो बाल है ना, आप एक सेक्शन लो, उसे ट्विस्ट करो, दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक दूसरे में ओवरलैप करते हुए ट्विस्ट करो, एंड देन पीछे ले जाके उसे सिक्योर कर दो। पहले आप उसे थोड़ा सा लूजन अप करना इस तरह से एक टेक्सचर देने के लिए। इससे आपके हेयर यदि पतले भी हो ना, जितने थिन हेयर हो आपके, लेकिन फिर भी इस तरह के हेयर स्टाइल आपके बहुत सूट करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पुलिंग प्रोसेस है, और पुलिंग प्रोसेस से आपके हेयर को एक वॉल्यूम मिलता है जिससे वो बहुत प्रिटी लगते हैं। अगेन मैं दूसरे साइड इसी तरह से करूँगी, 2 सेक्शन में डिवाइड करके उसे हल्का सा पुल करके, एंड देन पीछे उसे सिक्योर कर लीजिए अच्छे से इस तरह से। एंड बाकी के हेयर्स का मैं क्या करूँगी, एक पोनी बनाऊँगी, और पोनी मैं बनाऊँगी एक बड़े रबर बैंड से। यदि आपके पास ब्लैक कलर का बड़ा रबर बैंड है ना, तो आपका
पोनी के बाद जो उसके जो जूड़े बनेंगे ना, जो उसका बन बनेगा, वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो एक नॉर्मल सा बड़ा सा जिसको गार्डर बोलते हैं, तो वैसा आप ले लो एंड देन फिर उससे एक पोनी बना के इस तरह से जिस तरह मैंने किया ना, सारे बालों को फैला के रैप कर लो, ऊपर से एक रबर बैंड लगा लो और बाकी सारे बाल को ट्विस्ट करते हुए आप बॉबी पिन की हेल्प से उसे सिक्योर कर लो इस तरह से। और जो आपका बन बना है उसे आप थोड़ा थोड़ा पुल करके उसे एक थोड़ा सा वॉल्यूमिनस बना दो। ये मैं यहाँ से अच्छे से सिक्योर कर ले रही हूँ यहाँ पे, एंड सी आपका बन के साथ आगे का हेयर स्टाइल कितना प्रिटी और ट्रेंडी लग रहा है। अब साइड से फ्लैक्स निकाल लो और देखो कितना स्टाइलिश लग रहा है ना। अब जो नेक्स्ट हेयर स्टाइल है वो है हेयर स्टाइल नंबर 8, जिसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको अपने पिछले हेयर स्टाइल वीडियो में बताया है कि आप साइड से ट्विस्ट करते हुए, डिवाइड करते हुए आप कैसे आगे एक मिनी पफ बना सकते हो। तो इस तरह से आपको करनी है, छोटा छोटा सेक्शन लो, उसे ट्विस्ट करते जाओ अपने पहले वाले सेक्शन में एंड देन आप पीछे उसे ले जाके सिक्योर कर देना। पहले एंड तक आप उसे इसी तरह से रैप कर लो, आगे से पुल करो, लेकिन यहाँ पे पीछे सिक्योर नहीं करनी है फ्रेंड, यहाँ पे आपको राउंड रैप करना है, एक फ्लावर का शेप देना है इस तरह से, और रख कर अपने हेड के ऊपर उसे बॉबी पिन की हेल्प से आप सिक्योर कर लो, और ये फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे आपके। सी ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अब बाकी जितना हेयर आपके बचे हुए हैं, आपको लेफ्ट साइड यदि आपने बनाया है तो राइट साइड से पीछे की तरफ से आपको ट्विस्ट करते करते आप उसे लेफ्ट साइड लेकर आओ एंड देन एक नॉर्मल सा ब्रेड बनाओ, जो कि हम चोटी बनाते हैं ना उस तरह से, नीचे आप एंड सिक्योर कर लो और जो आपका जो ब्रेड बना है उसे आप अच्छे से पुल करो, क्योंकि जब आप उसका भी एक फ्लावर बनाओगे तो वो भी काफ़ी प्रिटी लगेगा। तो ये ऊपर बना आपका एक मिनी फ्लावर और नीचे बना आपका एक बड़ा सा फ्लावर, और फ्रेंड ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा, बहुत ही स्टाइलिश लगेगा, येट रोमांटिक जिसको बोलते हैं ना हेयर स्टाइल, बिल्कुल वैसा लगने वाला है सी। और हाँ, यदि ऊपर का जो आपका छोटा फ्लावर है या फिर आपका बड़ा फ्लावर है, आप चाहो तो उसे एक्सेसराइज कर सकते हो। यहाँ बस अपने मैं छोटे वाले फ्लावर के ऊपर एक बॉबी पिन लगाऊंगी, फ्लावर बॉबी पिन, एंड यस ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है ना फ्रेंड्स। ये जो मेरा नेक्स्ट हेयर स्टाइल है ये भी काफ़ी स्टाइलिश है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने हेयर के बीच की पार्टिंग करनी है। यदि आपको टीका लगाना है तो उसके लिए ये बेस्ट हेयर स्टाइल है। बीच की पार्टिंग करने के बाद आप याद रखिएगा, एक जो सेक्शन है उसे आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और दूसरे सेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमा के आप एक इस तरह से ट्विस्ट देके उसे सिक्योर करो और दूसरे वाले पार्ट को एंटी क्लॉकवाइज करके। अब ये आपका हो गया है बिल्कुल सिक्योर। अब पीछे आपको बनानी है एक पोनी इस तरह से, नॉर्मल आप रबर बैंड ले लो उससे आप पोनी बना लो, स्ट्रेच कर लो एंड देन अब आपको एक नॉर्मल ब्रेड बनानी है। अपने बालों को उल्टा करो, थोड़ा सा बैक कॉम्बिंग करो ताकि जब आप नॉर्मल ब्रेड बनाओ ना तो वो काफ़ी वॉल्यूमिनस बने, ताकि लास्ट में जब वो एक बन का शेप ले तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो इस तरह से आपको बनानी है ब्रेड, और ब्रेड बनाने के बाद आप उसे स्ट्रेच करो अच्छे से, वॉल्यूम उसकी बढ़ाओ इस तरह से। बस आप मिरर में देखते रहना और आपका देखना वो वॉल्यूम अच्छे से बढ़े, और नीचे वाले पार्ट को अच्छे से उसे सिक्योर कर लेना ताकि वो खुले ना। एंड देन फिर अपने उस पोनी के चारों तरफ आप उसे अच्छे से रैप करो एंड देन सिक्योर कर लो कुछ इस तरह से, और देखो ये कितना ब्यूटीफुल लगेगा। और आपके कितने भी थिन हेयर हो लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। सी कितना स्टाइलिश लग रहा है ना। अब इसमें आप चाहो तो टीका भी टक कर सकते हो, अपने हैवी इयररिंग्स भी पहन सकते हो, आगे से फ्लैक्स निकालो एंड बस ये स्टाइलिश सा हेयर स्टाइल हो गया रेडी। तो फ्रेंड्स देखो कितने सारे स्टाइल्स हैं ना। मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ स्टाइल्स करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊंगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।